हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवार पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लाइकेंस के कंप्लीट कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं, तो आज हम इकोनॉमिक वैल्यू देखेंगे लाइकेंस की। लाइकेंस जो कि प्लांट नहीं है, इसी वजह से इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई जितनी प्लांट्स को दी गई है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज बहुत ही कम थी एज ए कम्पेयर टू प्लांट के, तो इसी वजह से इसको एज ए डीपली स्टडी नहीं किया गया एज कम्पेयर टू प्लांट के। तो आज हम इसके बेनिफिशियल इंपोर्टेंस और उसके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइकेंस को कवर करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो हमें इसकी बेनिफिशियल और इसके हार्मफुल इफेक्ट दोनों को लिखना होता है। फर्स्ट वन है बेनिफिशियल इंपोर्टेंस, जिसमें हम एज ए फूड एंड फूडर को देखेंगे। ह्यूमन में एज ए फूड के तौर पर यूज होता है और एज ए एनिमल में भी। रूल इन एस्टैब्लिशिंग एनवायरनमेंट, लाइकेंस का एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करने में कितना इंपॉर्टेंट रूल है। एज ए मेडिसिन, जो कि मोस्टली लाइकेंस होता है एज ए ब्रॉड सेंस में एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होती है। रोल इन पोल्यूशन इंडिकेटर में देखेंगे, जो कि लाइकेंस का अलगल पार्ट होता है, वो सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, जो कि पोल्यूशन इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता है। इन टैनिन इंडस्ट्री, टैनिन को टैनिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि फिनोलिक एसिड से ड्राइव्ड होता है, जो कि वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और जितने भी एनिमल की स्किन होती है ना, उससे हम मुख्तलिफ जैकेट्स बनाए जाते हैं, जिस तरह लेदर की जैकेट्स बनाते हैं, तो उसमें टैनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि सूटेबल होते हैं फिर यूज करने के लिए। रूल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे कि इसका जो नाइट्रोजन है एनवायरमेंट को उसको किस तरह फिक्स करती है और वो किस तरह सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। उसके बाद लाइक्नोमेट्री में देखेंगे, ये एक साइंटिफिक तकनीक है जिसमें रॉ की एज का पता लगाया जाता है। एज ए टॉक्सिन देखेंगे, इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी देखेंगे, और एज ए डाइज, जो कि डिफरेंट कलर इंपार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइकेंस को हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन है एज ए फूड एंड फूडर। अब हम जितने भी हेडिंग्स को कवर करेंगे, उसमें से आपको मिनिमम तीन पॉइंट्स तो लाजमी याद होने चाहिए। फर्स्ट वन है इवर्निया प्रूनस ट्री आर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इन इजिप्ट। मिस्र में जो इवर्निया प्रूनस ट्री है वो यूज होती है एट ए ब्रेड बनाने के लिए। उसके बाद फ्रांस में लाइकेंस जो है वो चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज बनाने के लिए भी यूज होती है। उसके बाद जो एंडोकार्पन मिनिएटम है वो यूज होता है ऐसे वेजिटेबल्स इन डिफरेंट कंट्रीज में। क्लेडोनिया रेंजिफेरिना सर्व एज फूड फॉर रेंडीर एंड मस्क ऑक्स। रेंडीर कहते हैं जो डेयर की जितनी भी स्पीशीज होती है ना, वो क्लेडोनिया रेंजिफेरा को एज ए फूड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मस्क ऑक्स और कुछ दूसरे वाइल्ड एनिमल्स भी यूज करते हैं इस क्लेडोनिया रेंजिफेरा को। उसके बाद एस्पिसिलिया कल्केरिया लेकोनोरा एंड सेक्सिकोला आर यूज एज फूड बाई माइट्स स्नेल्स कैटरपिलर्स एंड टर्माइट्स। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि स्नेल कैटरपिलर के लिए फूड के लिए यूज होते हैं। ड्राई लाइकेंस आर फेड टू हॉर्स एंड स्वैन। जो ड्राई लाइकेंस होता है वो एज ए फूडर यूज होते हैं हॉर्स एंड स्वैन में। उसके बाद है रोल इन एस्टैब्लिशिंग एनवायरनमेंट। अब लाइकेंस का जो इन्वायरमेंट होता है उसको सूटेबल बनाता है दूसरी वेजिटेशन के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि रूल इन एस्टैब्लिशिंग इन्वायरमेंट में लाइकेंस का क्या इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी भी फॉरेस्ट में आग लगती है तो उसमें जितनी भी स्पीशीज होंगी वो सारी फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद वहां पर जो सबसे पहले स्पीशीज वगैरह वहां पर ग्रो करती है वो लाइकेंस होती हैं। जो लाइकेंस होती हैं वो बेयर जो रॉक्स होती हैं वहां पर ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद कुछ वीक एंजाइम एसिड वगैरह सिक्रीट करती हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, जो रॉक्स होते हैं ना उसकी वीदरिंग करते हैं। रॉक्स वीदरिंग मींस रॉक्स की ब्रेक डाउन करके उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल सोइल पार्टिकल में चेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं रॉक वीदरिंग। जैसे ही लाइकेंस की डेथ होती है, ये रिच नाइट्रोजन का सोर्स होता है जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और इन सराउंडिंग में जितनी भी वेजिटेशन होती है उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। लाइकेंस आर पायनियर सक्सेशन दैट एस्टैब्लिशिंग वेजिटेशन ऑन द बेयर रॉकी रोज। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल बाय ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ये वो एसिड हैं, वीक एसिड हैं, जो कि रॉकी वीदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें फर्स्ट वन आपको रॉक्स नजर आ रहे हैं जो कि बेयर रॉक्स है, उसके ऊपर नेक्स्ट में आपको लाइकेंस ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है जो कि रॉक की वीदरिंग करेगा, और जब डैमेज होगा जो सोइल की फर्टिलिटी होगी उसको इंक्रीज करेगा, जो कि मुख्तलिफ जितनी भी हर्ब्स होंगी उसके लिए सूटेबल होगा। फिर हर्ब्स ग्रो करेंगे, हर्ब के बाद श्रब्स, फिर एनुअल प्लांट, फिर कम्प्लेक्स क्लाइमेट प्लांट ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है एज ए मेडिसिन। जो लाइकेंस होता है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज और इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिनमें जो फेमस है हम उसको कवर करते हैं। परमिलिया इज यूज इन स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट्स। स्कॉर्पियन और स्नेक के विनोम के लिए भी परमिलिया की स्पीशीज यूज होती है। नेक्स्ट है क्लेडोनिया पिग्जी डाटा इन वूपिंग कफ। कफ के लिए जो क्लेडोनिया पिग्जी डाटा है वो यूज करते हैं हम। नेक्स्ट टॉप ब्लीडिंग के लिए हम उसने की स्पीशीज को यूज करते हैं, और उसनिक एसिड जो कि अपटेन होता है उसनिया एंड क्लेडोनिया से यूज होता है इन डिफरेंट इन्फेक्शन से। अगर हम बात करें उसनिक एसिड की तो हम कह सकते हैं ये एक ब्रॉड सेंस में एंटीबॉडीज है जो डिफरेंट इन्फेक्शन में यूज होती है। उसके बाद है सिट्रेरिया इसलैंडिका यूज इन ट्यूबरकुलेसिस एंड अदर लंग डिजीज के लिए।
तो ये थी हमारे पास एज ए मेडिसिन में इसका यूज। नेक्स्ट है एज ए डाई, जो लाइकन होता है वो डिफरेंट कलर इम्पार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसमें जो ब्राउन डाई कलर होता है वो ऑब्टेन होता है पारमिलिया उम्फालोड से। उसके बाद रेड एंड पर्पल डाई कलर होता है वो ऑब्टेन होता है ओक्रोलेचिया स्पीशीज से। तो और भी डिफरेंट कलर्स होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं डिफरेंट लाइकन से। नेक्स्ट है रूल एज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन जो होता है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं एलजी एंड फंजाई। जो एलजी होता है वो मोर सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, जो कि एक पोल्यूटेंट है। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जो लाइकन होता है वो डेथ हो जाती है। तो जितने भी रिसर्चर होते हैं वो लाइकन के हेल्थ और कलर को देकर वहां के इन्वायरमेंट की जो लेवल होता है पोल्यूशन का उसका पता लगाते हैं। इट आर यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। द अलगर पैटर्न ऑफ लाइकन्स आर सेंसिटिव होता टू सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इन टैनिन इंडस्ट्री, टैनिन को टैनिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि फिनोलिक एसिड से ड्राइव होता है और वो जो वुडी फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनके वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स आप लेदर के यूज करते हैं वो एनिमल की स्किन से बनते हैं, और एनिमल की स्किन को लेदर में बनाने के लिए टैनिन के प्रोसेस यूज होते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सिट्रेरिया आइसलैंडिका, लोबेरिया पुलमोनेरिया यूज्ड एज टैनिन एजेंट इन द लेदर इंडस्ट्रीज। लेदर इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इन स्पीशीज का टैनिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रूल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो रूट नेड्यूल्स का कंसेप्ट आता है। अब लाइगन जो होता है उसके रूट तो होते नहीं है जो हम रूट नेड्यूल से ये नाइट्रोजन को फिक्स करें। तो ये नाइट्रोजन को किस तरह फिक्स करते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी अमोनिया होता है नाइट्रेट आयन होता है उसको ये अब्सॉर्ब करता है डिफरेंट सोर्सेज से, पोल्यूटेंट्स हो गया, डस्ट हो गया, या जितने भी एयर बोर्न पार्टिकल्स हो गए उनसे ये अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करने के बाद जो इनका अलगल टिश्यू होता है इसमें एज ए न्यूट्रिएंट के लिए स्टोर हो जाता है। जैसे ही लाइकन की डेथ होती है ड्यू टू वो एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होता है उसके ज्यादा होने से इसकी डेथ हो सकती है। इसकी डेथ से जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सोर्स होती है और सराउंडिंग में जितनी भी वेजिटेशन होती है उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। अलगल पार्ट साइनोबैक्टीरिया आर इन्वॉल्व होते हैं इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो अलगल लेयर में साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होता है। द नाइट्रोजन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स होता है उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। लाइकन्स कैन डिग्रेड पॉलीस्टर रेजिन्स। जो पॉलीस्टर रेजिन्स होता है ये सिंथेटिक फाइबर होता है जो डिफरेंट ग्लास फाइबर्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। लाइकन्स कैन अकुमुलेट सेवरल एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एज लेड एंड कॉपर। जितने भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होता है ये उनको अब्सॉर्ब करता है क्योंकि ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। इसकी हेल्प से रिसर्चर लाइकन के कलर और उसकी हेल्थ का पता लगाते हैं कि वहां के एनवायरमेंट में पोल्यूशन का कौन सा लेवल है। नेक्स्ट है लाइकनोमेट्री, वो साइंटिफिक तकनीक जिसमें जो एज होती है रॉकी वो मालूम की जाती है विद द हेल्प ऑफ थैलाई से। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें फास्ट वन आ जाता है लाइकन्स की ग्रोथ। कुछ लाइकन्स होते हैं वो स्लो ग्रोथ शो करते हैं, कुछ लाइकन्स क्विक ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद लाइकन की जो थैलस बॉडी होती है उसको हम देखते हैं कि वो कौन से कितने एरिया पर कितने सर्फेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद हम उसके कैलिब्रेशन को देखते हैं कि वो किसी वो रॉक जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर किसी अर्थक्वेक की वजह से इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो ये डिफरेंट स्टेप यूज होते हैं। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एक्सपोज रॉक सर्फेस विच बेस्ड ऑन द साइज ऑफ लाइकन थैलाई पर। तो हम कह सकते हैं जो लाइकन होते हैं वो लाइकनोमेट्री के लिए यूज होते हैं, रॉक की एज मालूम करने के लिए भी यूज होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें 1996 और 2002 के दरमियान लाइकन ने 6 ईयर में कितने सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जितने भी रिसर्चर होते हैं उन्हें इस चीज का आइडिया होता है कि इस लाइकन की स्पीशी ने इतने ड्यूरेशन में इतने सरफेस एरिया पर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके बेस पे वो किसी भी एज की रॉ की पता लगाते हैं कि इसकी कितनी एज है। तो लेदर के कुछ प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं जो कि टैनिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिन। कुछ वाइल्ड जो डेंजर एनिमल्स होते हैं उनके बचाव के लिए हम लाइकन को एज ए टॉक्सिक के तौर पर भी यूज करते हैं। Some lichens are toxic to mammals due to yellow pigment vulpinic acid and has been used historically as poison for wolves and foxes. जो कि wild animals हैं wolves और fox के लिए उसके लिए as a poison के तौर पर भी use किया जाता है lichens को। Next in cosmetic and perfumery. Evernia and Ramellina are source of essential oils used in manufacturing of cosmetic soaps. जो Evernia और Ramellina की species हैं वो cosmetic soaps और products के लिए use होते हैं। उसके बाद लाइकन जो होता है वो यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए भी, क्योंकि तो इसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा प्लीसेंट होती है। तो ये थे बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइकन्स को, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है लाइकन्स काज लॉस ऑफ सर्फेस ऑफ ग्लास एंड मार्बल स्टोन्स। जो ग्लास और मार्बल स्टोन की अपर सर्फेस होती है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होती है तो उसको लॉस कर देती है, उसकी ब्राइटनेस को खत्म कर देती है लाइकन्स।
नेक्स्ट पॉइंट है सम लाइकेंस एक्ट एज एलर्जेंस। कुछ लाइकेंस जो होते हैं वो एज एलर्जेंस के लिए भी यूज होते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन है। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग थ्रेड्स आर पेंडेंट लाइकेंस लाइक उसने आर इनफ्लेमेबल थस हेल्प इन स्प्रेडिंग द फॉरेस्ट फायर। जो उसने की थैलस बॉडी होती है वो नेचुरली ही फायर कैप्चरिंग होती है, वो नेचुरली इनफ्लेमेबल होती है जो कि फॉरेस्ट में फायर लगने का काज बन सकती है। फोर्थ पॉइंट है लाइकेंस लाइक क्लेडोनिया काज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज ऑफ मोसेस बाय डायरेक्ट पैरासिटिक अटैक। जो क्लेडोनिक स्पीशीज होती है वो एज ए पैरासिटिक अटैक के लिए भी यूज होती है, जो मोसेस की कॉलोनीज होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेंस थी जिसको हमने डिटेल के साथ कवर किया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि इस मंथ का जो टास्क है वो हमारा कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, काफी ज्यादा काम है, तो इसी वजह से सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।